बहुत हुआ चूहे बिल्ली का खेल, अब तो बस। हमारी जमीन, हमारी मातृभूमि को बंजर करने का जो गुनाह आर्किबिप्स ने किया है, उसकी भरपाई करनी होगी। हमारे नुकसान के बदले तुम लोगों को एक छोटी सी कीमत चुकानी होगी, 50 करोड़ के हीरे। 50 करोड़ के हीरे तुम लोगों के पास सिर्फ 2 दिवस आए, 2 दिवस। कीमत चुका दो और इन लोगों को लेके जाओ, जरा सी भी होशियारी की ना। ये धमकी नहीं है, चेतावनी है, चेतावनी। पैसे नहीं पहुंचे तो पहले 24 तास में एक और दूसरे 24 तास में दूसरे को। एक घंटे में हम लोग सरकपुर फैक्ट्री पहुंच जाएंगे। ये लो, कल गांव वालों ने फिर से फैक्ट्री में हंगामा किया था, पत्थर भी फेंके और कुछ लोगों को नुकसान भी पहुंचा दिया। ये लोग समझते क्यों नहीं कि ये हमसे जीत नहीं सकते, फालतू का झगड़ा, मिलना मिलना कुछ है नहीं इनको। हाँ, अगर मान जाते तो फायदा इन्हीं लोगों का होता। अरे यार, मैं तो कहता हूँ बेवकूफ हैं लोग। अरे कंपनी इतना अच्छा मुआवजा ऑफर कर रही थी, ले लेना चाहिए था। नहीं, अपनी जिद पर अड़े हैं, झंडा उठाकर खड़े हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं ये लोग। Yes? वो मेरी कार जरा खराब हो गई है, वो आप लोग देख लेंगे जरा? हाँ हाँ जरूर। वैसे आपको जाना कहाँ है, हमारे साथ आ जाइए। हम आपको छोड़ देते हैं। और देखिए, आप अपनी कार की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो सुरक्षित सर्विस सेंटर पहुंच जाएगी। सचमुच? या पास से गोली मारी है, पॉइंट ब्लैंक। ये टायर के मार्क्स, लगता है यहां कोई दूसरी गाड़ी थी। आसपास देखो, कुछ और मिलता है क्या? इसकी गाड़ी देखते हैं। लैपटॉप है गाड़ी के अंदर, लगता है गाड़ी में ड्राइवर के अलावा और भी लोग थे। सर, सर 3 मोबाइल टूटे हुए वहां मिले झाड़ी के पास, और यहाँ गाड़ी के अंदर 3 लैपटॉप। सर, इन तीनों के मोबाइल्स किडनैपर्स ने छीने होंगे और इन्हें तोड़ दिया ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो पाए। आप? जी, मैं विक्रांत हूँ,
आर के विप्स कंपनी का सीईओ और ये मेरी चीफ फंक्शनल ऑफिसर मालनी। हेलो सर। कौन कौन था इस गाड़ी में आपको मालूम है? अभय, मुरली और संजीव, वो तीनों हमारे टॉप के एग्जीक्यूटिव्स हैं। हमारे फैक्ट्री के काम से सरकपुर गए हुए थे। देखिए, ऐसा लगता है कि इन तीनों का अपहरण हो गया है। ओह माय गॉड, आपको कुछ आइडिया है कि ये किडनैपिंग कौन कर सकता है? किसी पे शक है आप लोगों को? कंपनी का किसी से कोई विवाद या कोई झगड़ा? मैम, सरकपुर गांव वालों के साथ काफी समय से झगड़ा चल रहा था। प्रदर्शन, बवाल, ये सब तो होता ही रहता था, लेकिन इतनी बड़ी बात हो गई इसकी उम्मीद नहीं थी। ठीक है, अपहरण हुआ है तो फिरौती के लिए कॉल जरूर आएगा। ऐसा कोई भी कॉल आप लोगों को आए, पहले आप हमें इन्फॉर्म करेंगे। श्योर सर। वैसे भी खूनी ने यहाँ पे कोई सुराग तो छोड़ा नहीं है, ना ही किसी को कुछ पता है, तो जब तक वो लोग कॉल नहीं करते हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अंकल, बॉडी को फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। मैसेज है, किडनैप इसके बारे में जानकारी चाहिए तो इस लिंक को चेक करो। बिल्ली का खेल, बस हमारी जमीन, हमारी मातृभूमि को बंजर करने का जो गुनाह आर के डिप्स ने किया है उसकी भरपाई करनी होगी। 50 करोड़ के हीरे तुम लोगों के पास 3 दिवस आए, 3 दिवस जरा सी भी होशियारी की ना। सर, इसने तो जान से मार दिया। सर, ये वीडियो वो लोग टीवी पे दिखा रहे, लेकिन ये फुटेज चैनल वालों को मिला कहां से? ये इस तरह का फुटेज आप लोग नेशनल टीवी पर दिखाते हो? अरे, कोई आचार संहिता है क्या? नहीं, कोई नीति है क्या? नहीं, तुम लोगों में कम से कम लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी तो समझ लेते हैं। पर सर, आम लोगों तक खबर पहुंचाना भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। बस बस, इस जिम्मेदारी की बात आप मत कीजिए, समझे? यही जिम्मेदारी निभाते हुए भूल जाते हो ना तुम कि जिसकी बेरहमी से कत्ल हो रही है उसका वीडियो दिखाते हो, पर ये नहीं सोचते कि उसके बेचारे माता पिता पर क्या गुजरी होगी, उसके पत्नी पर क्या गुजरती होगी, उसके बेचारे बच्चों पर क्या गुजरती होगी। सोचा कभी? नहीं। बस चैनल का टीआरपी बढ़ाओ तो और पैसे आ जाएंगे। सर, इतना नहीं सोचा, जैसे ही फुटेज मिला हमने। कहां से मिला फुटेज? कहां से मिला फुटेज? सर, वो फुटेज मुझे मिला था। कहां से? किसी ने दिया था मुझे। किसने दिया था? सर, वो तो मुझे नहीं पता। अरे? 2 घंटे पहले मुझे कंजान नंबर से फोन आया। उसने कहा कि उसके पास आरके विप्स कंपनी के खिलाफ कुछ सबूत है कि कैसे सरकपुर की बंजर जमीन के पीछे उन लोगों का हाथ है। तो आप मिले उनसे? सर, मैं मिलने तो गई थी और काफी देर इंतजार भी किया, लेकिन कोई नहीं आया। फिर मैं वहां से लौट गई। हाँ, लेकिन जब अपनी गाड़ी के पास आई तो देखा गाड़ी की विंडशील्ड पर एक एनवेलप चिपका हुआ है। उस एनवेलप के अंदर एक पेन ड्राइव था। ये सारी फुटेज मुझे उसी पेन ड्राइव से मिली है। सर, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानती। रास्ते चलते 3 लोग किडनैप हो जाते हैं, किसी को फिरौती के लिए कॉल नहीं आता है। ये फुटेज आती है तो आपके पास, क्यों? किसी और के पास क्यों नहीं आई ये फुटेज? सर, क्योंकि ये पूरा मैटर मैं स्टार्टिंग से ही रिपोर्ट कर रही हूँ। आरके विप्स कंपनी की वजह से गांव वालों को जितनी दिक्कतें हुई हैं वो सब मैंने ही कवर की है, और गांव वालों का पक्ष भी मैंने ही रखा है, शायद इसी वजह से। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे गांव वालों का हाथ है? पता नहीं सर, ये मैटर 2-3 साल से चल रहा है। गांव वालों ने प्रोटेस्ट भी की थी, धमकियां भी दी, यहाँ तक कि पत्थरबाजी भी हुई थी, लेकिन गांव वाले सचमुच ऐसा कुछ कर सकते हैं इस बात का मुझे कोई आइडिया नहीं है। हम पता लगा लेंगे, सब पता लगा लेंगे, कौन है इसके पीछे। नहीं छोड़ेंगे हम किसी को। आइए सर। सर, ये सुधाकर है, सरकपुर गांव का सरपंच। देखो साहब, ये सच है कि हम कंपनी वालों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, और ये हमारी हक की लड़ाई है, सालों से चल रही है, लेकिन लेकिन साहब, हमने कोई गलत काम नहीं किया, और ये लोग ऐसा काम नहीं कर सकते साहब। लेकिन उस वीडियो में जो लोग थे वो तो गांव के ही लग रहे थे, हैं? उनकी बोली और वो जो हथियार था वो तो गांव का ही है ना? है ना साहब, लेकिन
ये लोग वो लोग नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ साहब कि कोई जानबूझकर हमारे गांव वालों को फंसाना चाहता है। अच्छा, इस मामले में पहले भी कोई हिंसा की वारदात हुई है? सर, मेन 3-4 लोग है, मतलब भीड़ रहती है, लेकिन साथ में वही 3-4 लोग रहते हैं। लगता है उनको किसी का डर है ही नहीं, वो तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। सर, कौन है ये मेन 3-4 लोग? विनायक, किशोर और शंकर। बंद करो। ये मेन 3 लोग हैं, हमने इनको कई बार गिरफ्तार किया है, वार्निंग भी दी है, मगर कोई असर नहीं होता। असर कैसा पड़ेगा साहब, इन कंपनी वाले लोगों ने इनका सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ये लोग गलत लोग नहीं है साहब, मैं जानता हूँ ना इनको। क्या हुआ क्या इनके साथ? साहब, विनायक ने लाखों का कर्जा लिया है लेकिन कर्जा चुका नहीं पाया। चुकाएगा कैसे सर? उसकी जमीन, ये फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स और जहर की वजह से जमीन बिल्कुल बंजर हो गई, और वो बेचना भी चाहता था लेकिन जमीन कोई खरीदने वाला नहीं आया। और वो शंकर, उसका भी वही हाल है, उसका परिवार भूखा मर रहा है सर, ना खेत ना पैसा। और एक किशोर, उसके बाबा ने तो पैसों की तंगी की वजह से आत्महत्या कर ली, तो आप ही बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? ये तीनों कहाँ हैं? पता नहीं साहब। देखो साहब, हम लोग सीधे साधे लोग हैं, हमारा सब कुछ तो जमीन है, अगर जमीन ही बंजर हो गई तो हम लोग क्या करेंगे? और हमारी इस हालत पर किसी की भी नजर नहीं पड़ती, क्यों? हम लोग गरीब है इसलिए। देखो साहब, मगर हम हारने वालों में से नहीं है, हम डट के मुकाबला करेंगे। डट के मुकाबला करेंगे साहब, हम अपना हक लेकर आएंगे, हम अपना हक लेकर आएंगे, हम अपना हक। ये विनायक, शंकर और किशोर, इन तीनों के पास किडनैपिंग करने का मोटिव तो है। सर, मुझे तो लगता है यही तीनों है। हाँ, लगता तो है, पर हमारे पास सबूत नहीं है। वो फुटेज फिर से देखते हैं, शायद कोई सुराग हाथ लग जाए। 50 करोड़ के हीरे तुम लोगों के पास 2 दिवस आए, 2 दिवस, जरा सी भी होशियारी की ना, पैसे नहीं पहुंचे तो पहले 24 तास में एक और दूसरे 24 तास में दूसरे को। नहीं सर, ये लोग तो काफी शातिर हैं। ये वीडियो इस तरह से शूट किया गया कि इसकी लोकेशन या किसी भी चीज के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। सर, आगे वीडियो में कुछ हल्का सा दिख रहा है, शायद काम का हो। पत्थर? जरा एक मिनट स्टॉप, फिर ज़ूम कर। पत्थर है सर। पत्थर क्या, तो चट्टान है, किसी पहाड़ का है सर। मुझे ये गुफा जैसे कुछ लगता है, खंडर होते हैं। फिर भी चेक करो इस गांव के आसपास कुछ गुफाएं या खंडर वगैरह है क्या। गुफाएं तो बहुत सारी है लेकिन सबको चेक करने में तो काफी टाइम लग जाएगा। पर हमारे पास वक्त ही तो नहीं है, सिर्फ 8 घंटे बचे, 8 घंटे के अंदर हमने कुछ नहीं किया तो और एक जान चली जाएगी, और एक खून होगा। एक मिनट, ये पूर्वी जरा वीडियो फिर से रिवाइंड करना, हाँ अभी प्ले करो लेकिन ये बैकग्राउंड की आवाज बढ़ा दो, आगे वाली आवाज बंद कर दो। ऐसे नहीं पहुंचे तो पहले 24 तास में एक और दूसरे 24 तास में दूसरे को। पानी की आवाज लगती है। देखो आसपास कोई झरना या नदी वगैरह है क्या? यस सर, सर एक नदी तो है। सर, उस तरफ एक गुफा है जिसके पास से नदी गुजरती है। सर,
वो रही गुफा, वो देखिए। ठीक है, आप लोग यहीं पे रुकिए। चल यहां तो काफी अंधेरा है। सही जगह पे आए हैं लेकिन आने में देर हो गई। लगता है उन गांव वालों को बताकर हमने गलती कर दी। इन्हीं में से किसी ने खबर दी होगी। हाँ, मगर ये अब है जिसको मारा था उसकी लाश कहाँ है? पर ये क्या है? 6 बजे। सर मुझे लगता है कि हमारे पास और कोई चारा नहीं, हमें उनकी डिमांड मान लेनी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप? एक बार बात मानेंगे तो वो लोग बार बार यही करेंगे। आप लोग कब तक उनकी डिमांड मानते रहेंगे? तो सर हम फिर कर ही क्या सकते हैं? लोगों की जिंदगी पैसों से ज्यादा कीमती है ना। बेशक है, बेशक है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि हीरे मिलने के बाद वो लोग उन दोनों को छोड़ देंगे? है कोई गारंटी? क्या पता वो लोग अब भी जिंदा है या नहीं। हो सकता है उन लोगों ने उन्हें पहले ही मार दिया, क्योंकि किडनैपिंग केस में अक्सर ये होता है। वो लोग ज्यादा देर तक छुप नहीं सकते। पिछली बार भी हम उन तक पहुंच ही गए थे, बस थोड़ी सी देर हो गई। सर लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि इस बार देर नहीं होगी? जो लोग किडनैप हुए हैं वो लोग हमारे साथ काम करते हैं। उनकी फैमिलीज को क्या जवाब देंगे कि हम मान चुके हैं वो लोग वापस नहीं आएंगे इसलिए हम पैसे नहीं देंगे? आपकी तारीफ। सर ये प्रीति है, हमारी कंपनी की पीआर हेड। सर आप ही बताइए, क्या कंपनी के एम्प्लॉयज कंपनी की जिम्मेदारी नहीं? वो लोग कंपनी के काम से गए थे, उसी की वजह से मुसीबत में फंसे। अब अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे सर? हाँ सर, और उस वीडियो की वजह से हमारी कंपनी की कितनी बदनामी हो रही है। हमारी कंपनी के शेयर्स के दाम गिर गए हैं सर, और अगर इस वक्त हमने पैसों का मोह रखा तो ना हम उन लोगों की जान बचा पाएंगे और ना ही ये कंपनी। आई थिंक शी इज राइट सर, अब आप ही डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है। मुझे लगता है कि तुम दोनों बिल्कुल सही कह रही हो। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम उन्हें हीरा दे देते हैं, क्योंकि मैं अपने एम्प्लॉयज के जान को जोखिम में नहीं डाल सकता। प्लीज सर। अरे सीमा जल्दी सर, आपका इंतजार कर। यस सॉरी सर, वी आर लेट। इंटरव्यू शुरू करें? लेट्स डू इट, हमारे पास वक्त नहीं। चलो। आरके विप्स कंपनी के सीईओ मिस्टर विक्रांत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मिस्टर विक्रांत, आपने इतनी अर्जेंसी में क्यों बुलाया? हमें किडनैपर्स के सारे डिमांड्स मंजूर हैं, बस हमारी उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, वो हमारे एम्प्लॉइज को कोई नुकसान ना पहुंचाए, उन्हें किसी तरह की कोई क्षति ना दे। प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट। देखिए इस स्क्रीन पे जो नंबर्स फ्लैश होंगे, किडनैपर्स मुझे उन नंबर्स पर फोन करके उनको हीरा कब कहाँ और कैसे चाहिए हमें बता सकते हैं। बट अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट वन थिंग, प्लीज डोंट हार्म माय एम्प्लॉयज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी अभी आपने आर के विप्स कंपनी के सीईओ मिस्टर विक्रांत को सुना। उन्होंने किडनैपर्स की मांग मान ली है। उन्होंने किडनैपर्स से अपील की है कि वो उनके लोगों को छोड़ दे। यहाँ दूसरी तरफ सीआईडी ये आशंका जता रही है कि कहीं किडनैपर्स ने उनके लोगों को पहले ही न मार दिया हो। इस खबर की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए सर। हेलो सर। अब सब इंटरव्यू ऑन एयर हो चुका है। ठीक है, वो जो नंबर है उसको सर्विलेंस पे डाल दो, कभी भी फोन आ सकता है उन लोगों का। हेलो, मैं किडनैपर बोल रहा हूँ। किडनैपर? सुनो, वो जो हीरे है ना,
और तुम लेके आना, इधर तेरे को ही जाने का है, वो भी अकेले। मैं क्यों? हाँ तू, और कोई शरणपति मत करना, वरना इन दोनों के साथ साथ तेरे को भी जान से मार देंगे। एड्रेस भेजा है मोबाइल पर, हीरे लेकर उत्तरी जाके खड़े रहने का। वापस आगे का बताने के लिए मैं फोन करूंगा। मैं नहीं जाऊंगी, आप प्लीज किसी और को भेज दीजिए। देखो डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं हूँ, हम है ना। देखो हमारे उन दोनों एम्प्लॉइज की जान तुम्हारे हाथ में है, हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। लेकिन मैं क्यों जाऊंगी? हाँ, अगर उन लोग ने मुझे मार दिया तो मेरी फैमिली का क्या होगा? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा ना तुम्हें कुछ नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स, ओके? ये टैबलेट ले लो, इससे तुम्हें स्ट्रेस कम होगा। लो। देखो सीमा, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रहे, हम लोग आसपास ही होंगे, तुम्हारे साथ ट्रैकिंग डिवाइस लगा होगा, तुम जहां भी जाओगी हमें पता चलता रहेगा। नहीं सर, आप लोगों ने सुना नहीं क्या उन लोगों ने क्या कहा? अगर मैंने कोई भी होशियारी की तो वो मुझे मार देंगे। सर ये बिल्कुल सही कह रही है, ये भी मारी जाएगी और साथ में मेरे वो दोनों एम्प्लॉयज भी मारे जाएंगे। सर वो लोग जो डिमांड्स मांग रहे हैं हमें मान लेना चाहिए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सर, मैं कम से कम किसी को मरता हुआ नहीं देख सकता। आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पानी, पानी, कोई पानी तो पिला दो कम से कम। देखिए मुझे अस्थमा है, मुझे मेरी दवा दे दो। अरे दवा नहीं तो कम से कम मेरी आंखें तो खोल दो, मेरा दम घुट रहा है, प्लीज मुझे खोल दो। छोड़ दो हमें, देखो तुम्हें पैसे तो मिल ही जाएंगे। ए चुप, अच्छा बस, ये उठा उसको, नहीं तो जान से मार देंगे। पानी पीना है ना, पानी चाहिए ना, ले। अरे अरे कोई मुझे दवा तो दे दो। सीमा की कहानी तो इस केस में नया मोड़ लेके आ गई। वैसे पूर्वी तुम्हारे आइडिया ने कमाल कर दिया। सर। हाँ पूर्वी। सर एक क्लू मिला है। क्या? ये सीमा यूं ही सरकपुर का इशू कवर नहीं कर रही थी, दरअसल ये भी उसी गांव को बिलोंग करती है। क्या? हाँ सर, पढ़ाई खत्म करने के बाद ये शहर चली गई थी, लेकिन इसका परिवार अब भी उसी गाँव में है और इस फैक्ट्री की वजह से
उन लोगों का भी काफी नुकसान हुआ। और सीमा ने ये बात तो हमें नहीं बताई। नहीं सर, ऐसा कोई जिक्र नहीं किया उसने। वही तो। इसका मतलब है सर, इस सीमा के पास भी मोटिव तो था इस सब में शामिल होने के लिए। हाँ, हो सकता है। वो पेन ड्राइव भी उसी को मिला, वो किडनैपर्स का फोन कॉल भी उसी को आया। हाँ सर, और किडनैपर्स ने भी हीरे पहुंचाने के लिए उसी को ही चुना है। इस सीमा को कहीं भी अकेले जाने नहीं देना चाहिए, इस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए, कुछ इस तरह से कि उसे मालूम तक होना नहीं चाहिए, उसे पता तक नहीं चलना चाहिए, और ना ही उन किडनैपर्स को। हाँ, पंकज, ये एक माइक्रो ट्रैकर है, बस अभी हमें किसी भी तरह ये कैप्सूल सीमा को खिलाना है, हमारा काम भी हो जाएगा और उसको पता भी नहीं चलेगा। ट्रेनर सब कहीं से भी आ सकता है। वो ड्रोन करो, तुम्हारे पास जो हीरे का पाउच है ना, वो इस ड्रोन पे बांध दो। लेकिन जैसा बोला जाए वैसा करो, नोटिंगी नहीं, जल्दी करो। हीरे ड्रोन पे बांध रही है। ये तो जा रहा है। अरे यार, निकल गए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। We'll be right back.
सर अब तो हीरे भी उनके पास है। सर इस तरफ से कोई आवाज आ रही है। सर सर संजीव ओह नो मुरली चलो कम से कम जिंदा तो है जाते जाते यहां पे डाल दिया लगता है। हां मिस्टर विक्रांत ये संजीव और मुरली ये हमें मिल गए हैं। थैंक गॉड पर दोनों की हालत बहुत खराब है। आप एक काम कीजिए हमारी कंपनी का गेस्ट हाउस पास में ही है उनको वहां पर लेकर आइए सारी मेडिकल फैसिलिटीज उन्हें वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है सर ये संजीव और मुरली कम से कम इन दोनों की जान तो बच गई। हाँ और वो लोग हैं कौन वो लोग एक आदमी की जान ले दी 50 करोड़ के हीरे चुराए बस हाथ लगने ही वाले थे लेकिन बाल बाल बच गए पर हमें एक सुराग तक नहीं मिला सर। कुछ पता चला ये तीन लोग विनायक शंकर और किशोर इन दो दिनों में कहाँ थे? सर पुलिस इन पे नजर तो रखे हुए थी लेकिन सर ये विनायक ये कुछ घंटों के लिए गायब हुआ तो था। अच्छा कहाँ गया था किसी को पता नहीं पर ये काम गांव वालों का होगा ऐसा लगता नहीं है। ये सब करना उनके बस की बात होगी क्या ये ड्रोन वगैरह का इस्तेमाल करना? सभीजीत आजकल ये ड्रोन खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है इंटरनेट पे मिल जाता है सर कोई भी खरीद सकता है। क्या पंकज तो गेस्ट हाउस में है एक बार ये संजीव और मुरली होश में आ जाएं सारी कहानी साफ हो जाएगी। संजीव और मुरली अब तो हमारी सारी उम्मीद इस संजीव और मुरली पर ही है। तुम ठीक हो? He is absolutely fine now. Thank you. क्या हुआ क्या था यहाँ पे exactly? Sir, I'm really sorry sir. मेरी आँख लग गई थी. Sir, actually हुआ क्योंकि मैं संजीव और मुरली के कमरे में गया तो वो सो रहे थे. फिर मैं बाहर आया हॉल में. हॉल में भी लोग सो रहे थे. वहीं पे पास में एक कुर्सी थी तो मैं वहाँ जाके बैठ गया सर. पता नहीं देखते देखते कब मेरी आँख लगी सर मैं सो गया सर. Suddenly वहाँ कॉरिडोर के पास कांच टूटा. उसकी आवाज से मैं उठा सर और मैं उस तरफ भागा. जैसे ही वहां पहुंचा सर तो मैं देख रहा था क्या हुआ पीछे से सर बहुत जोर से डंडा मारा सर किसी ने. जिस आदमी ने डंडा मारा तुमने उसका चेहरा देखा? मतलब गांव का कोई आदमी था क्या? हाँ वो तो गांव वाला ही होगा सर. उन लोगों को हीरे मिलने के बाद भी उन्होंने संजीव और मुरली को छोड़ा था फिर ये सब. शायद संजीव ने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उसे नहीं देखना चाहिए था. को
खतरा हो सकता था, इसलिए। सर अगर संजीव ने कुछ ऐसा देख लिया था तो फिर उन्होंने संजीव को पहले क्यों नहीं मारा? पहले नहीं मार पाए इसीलिए तो यहाँ पर आए। पूरा घर बंद था फिर भी खूनी कांच तोड़ के अंदर आया ना। कैसे तोड़ा तो बाहर की तरफ से ही गया है। दया ये देखा, ये चक्कर है। मार दिया संजीव को, मार दिया, और ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। कुछ नहीं होगा तुम्हें, अगर मारना ही होता तो वो वैसे ही मार देता। संजीव के पास आखिरी बार कौन गया था? जी मैं गया था, करीब 1 बजे उनको होश आया था, बस थोड़ी देर के लिए, और होश में आते ही वो प्रीति जी से बात करना चाहते थे। तो फिर बात की आप? जी सर, जब डॉक्टर ने मुझे बताया तो मैं उनसे उनके कमरे में मिलने गई थी। वो जल्द से जल्द अपने फैमिली के पास पहुंचना चाहते थे। मैंने उनसे कहा कि कल सुबह तक हम उन्हें उनके पास पहुंचा देंगे, फिर वो सो गए और सर हमारी भी यहाँ आंख लग गई थी। करीबन 3 बजे के आसपास उनके कमरे से चीखने की आवाज़ है। वहां जाकर देखा तो सर कोई गांव का आदमी बिल्कुल मेरे पास से भाग रहा था। ओ, तो किसी ने कांच तोड़ा और वहां से अंदर आया। खिड़की का कांच बाहर से अंदर की तरफ गिरा। अब अगर कोई वहां से अंदर आएगा तो उसके पैरों से लग के कांच के टुकड़े थोड़े आगे की तरफ फैलने चाहिए थे, लेकिन कमाल की बात यह है कि कांच के टुकड़े आगे मिले ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ खिड़की के पास ही रह गए। पता है कैसे? वैसे क्योंकि कोई खिड़की से अंदर आया ही नहीं, सिर्फ कांच तोड़ के खिड़की का वो वहां से भाग गया। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर कोई कमरे में आया ही नहीं तो संजीव का खून कैसे किया? नहीं किया, खून उसने नहीं किया। अब मेरा सवाल आपसे है प्रीति जी, अगर कोई बाहर से अंदर नहीं आया तो रात के 3 बजे आपने किसी को अंदर से बाहर जाते हुए कैसे देखा? तुमने उस खूनी को नहीं देखा, वो इसलिए क्योंकि वो खूनी कोई और नहीं, तुम खुद हो। प्रीति, संजीव ने जब मुझे मिलने के लिए बुलाया तो वो बहुत परेशान था। उसने मुझे बताया कि उसने गुफा के अंदर कुछ देखा था। अरे कोई पानी तो पिला दो यार। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ऐसा ही है, और अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। संजीव को सच्चाई पता चल गई थी कि मुरली का किडनैप नहीं हुआ है, बल्कि वो खुद इस प्लान में शामिल है। वो जाकर पुलिस को सब कुछ बताना चाहता था। मैंने उससे कहा हम कल सुबह जाकर मीडिया और पुलिस दोनों को सब कुछ बता देंगे, और वो जाकर सो गया। उस बेचारे को पता ही नहीं था कि इस मुरली के साथ साथ तुम भी सब में शामिल थी। सर हमारा प्लान बिल्कुल परफेक्ट था। 50 करोड़ के हीरे हमारे जेब में थे और इस बात की किसी को खबर तक नहीं थी, लेकिन संजीव एंड मोमेंट पे सारा प्लान बिगाड़ने वाला था, और मैं क्या करती सर? इसलिए जिन आदमियों से मैंने किडनैपिंग का नाटक करवाया उसमें से एक आदमी को मैंने वापस बुलवाया और उसे कहा कि खिड़की के कांच को तोड़ दे बाहर से, ताकि ऐसा लगे कि बाहर से किसी गांव वाले ने ये किया है, और यहाँ पे मुरली ने संजीव को मार डाला। गुनहगार चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक गलती जरूर करता है, वो गलती जो उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए काफी होती है, जैसे कि तुम लोग। अब बाकी की जिंदगी गुजरेगी तुम्हारी जेल की काल कोठरी में।